दिवाली के अवसर पर जनसेवा ईश्वर सेवा ट्रस्ट के माध्यम से और संस्थापक दीपक महेश्वरी के माध्यम से ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में दिवाली की खुशियों को लेकर दीप जलाए गए। दिवाली के दीप जलाने के बाद तमाम पुलिस कर्मचारी को मिठाई भी बांटी गई। जनसेवा ईश्वर सेवा ट्रस्ट का यह दूसरा साल है कि इन्होंने अपने दिवाली की खुशियों को बांटते हुए ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन का रुख किया था और उसके बाद तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ खुशी को सजा दिया और उसके बाद तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ खुशी को साझा किया और उसके साथ ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में जगह जगह दीप जलाए गए और उसके बाद जनसेवा ईश्वर सेवा ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष दीपक महेश्वरी ने ढेर सारी मिठाई तमाम पुलिस कार्यरत करने वाले पदाधिकारी को बांटी। इस पूरे कार्यक्रम में ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भी मौजूद रहे। ट्रॉम्बे पुलिस थाने मुंबई तुम्हें तर्फे सर्व तमाम जनते दिवाळी हार्दिक शुभेच्छा। येणारा सण तुम्ही सुख समृद्धीचा आणि शांततेत पार करा। मुंबई पोलीस आपल्या सेवेसाठी सदैव तत्पर आहे। युवकांना काय आवाहन? युवकांना आता आव्हान हेच आहे की येणाऱ्या सणात तुम्ही सतर्क राहावा, नशेपासून लांब राहावा आणि जसं सांगितल्याप्रमाणे आपल्या आजूबाजूला काय घडतं आहे काय नाही घडतं याच्या बाबतीत तुम्ही मुंबई पोलिसांच्या ज्या हेल्पलाईन नंबर आहेत त्याच्यावरती सगळ्या माहिती द्या, आम्ही योग्य त्या कारवाई करू। हाँ, इतने सालों से यहाँ काम करें, ये जो पुलिस स्टेशन ट्रॉम्बे का एक परिवार बन गया है। तो हमने पिछले साल से शुरू किया ये कार्यक्रम, दिवाली हम पुलिस स्टेशन नहीं मनाते थे तो इस साल भी उसको बरकरार रखा है और कि ये परंपरा हम कायम रखेंगे जब तक हम यहाँ हैं। आज भी वही त्यौहार है और वही क्षमा है, सबके साथ में आज मिलजुल के त्यौहार मनाने की कोशिश करी है। सर, बच्चों में क्या आह्वान करना चाहेंगे जो फटाखे फोड़ते हैं, आतिशबाजी करते हैं और उससे पर्यावरण को नुकसान होता है कहीं पर, क्या उनको आह्वान? मेरे ख्याल से जैसे सबने ये देखा है कि इसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ते जा रही है और प्रकृति में बहुत सारे तनाव आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फटाखा नहीं फोड़ना उचित है। लेकिन फिर भी अगर बच्चे फोड़ते तो एक सेफ और सेफ्टी से उसको फोड़े और अपना ध्यान रखें। हमारे चैनल के दर्शकों को आपकी तरफ से शुभेच्छा। मैं तमाम हिंदुस्तान के वासियों को, देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और हमारे चीता कैन पहलीपाड़ा ट्रॉम्बे अमरनगर दत्तनगर ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन की तरफ से सारी जनता को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनसेवा ईश्वर सेवा ट्रस्ट ये दूसरा साल है इस ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में दिवाली के साथ पुलिस वालों के साथ मिलकर दिवाली मनाई जा रही है। एक्चुअली क्या होता है कि दिवा पुलिस वाले अपने काम में लगे रहते हैं, वो फेस्टिवल उनके मनाते हैं, तो हमारे दीपक भाई ने एक ऐसा सोच रखे कि हम लोग पहला जाके पुलिस वाले के साथ दिवाली मनाते हैं, खुशी उनके साथ शेयर करेंगे, बाद में हम तो आपस में घर में शेयर कर ही ले सकते हैं क्योंकि वो अपने फैमिली से दूर रह के हमारी सेफ्टी करने में यहाँ लगे रहते हैं। और हम लोग एक छोटा सा मतलब एक मिठाई देकर और उनके साथ खुशियाँ बांटने के लिए आज यहाँ पर हम लोग सब जमा हुए। युवाओं को किस तरह से आह्वान करना चाहेंगे? देखो, जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाया हुआ है कि शाम को 7:30 से लेकर 10 बजे तक ही फटाखे फोड़ना है, तो पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है आज की तारीख में हमारे मुंबई में, तो हम सबकी एक जिम्मेदारी है कि हम मुंबई को एक पॉल्यूशन फ्री रखें, फटाखा फोड़े लेकिन एक लिमिट में फोड़े और दिवाली सब खुशी से मनाएं। मैं पूरे चीता के हम ट्रॉम्बे पाइलीपाड़ा दत्तानगर पूरे वार्ड नंबर 145 के तमाम लोगों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।